रूम नहीं है, चलो जाएं से। नहीं है, नहीं है भाई, नहीं बोला ना एक गुड इवनिंग, नहीं गुड मॉर्निंग, अरे क्या यार, गुड नाइट, गुड नाइट। होटल फुल है? नहीं, हाँ नहीं, हाँ फुल है। रजिस्टर दिखाइए। रजिस्टर तो मैनेजर साहब साथ में लेके चले गए, वो हाथ खाली है। ये तो वो कॉपी है, बच्चे लोग की मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए कचरे में से उठा के लाया था, तो वो मर गए। रूम नंबर 34 में कौन है? वो एक आदमी, आदमी कोई जानवर नहीं। उसका नाम क्यों नहीं लिखा? बड़ा बड़ा आदमी है तो बड़े आदमी का कोई नाम तो होगा। नहीं, बड़े आदमी की तो पदवी होती है, नाम जनता सेवक। जनता सेवक? रूम में किसकी सेवा कर रहा है? इंस्पेक्टर साहब, अरे हवलदार तू तो सुन ले, ये सब कौन है? लड़कियाँ। वो तो देख रही हूँ, मगर कैसी लड़कियाँ? ऑल राउंड। व्हाट? यानी ऑल राउंड गोल गोल लड़कियाँ। मिस्टर एमएलए, अगर ये न्यूज कल पेपर में छप जाए कि आप कुछ लड़कियों के साथ एक होटल रूम में पाए गए, तो जानते हैं क्या होगा? जनता ने आप पर विश्वास करके आपको अपना नेता चुना, उनको आपसे नफरत हो जाएगी और अगले इलेक्शन में आपका डिपॉजिट भी जब्त हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर, आइंदा ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे प्लीज छोड़ दीजिए। ठीक है, इस बार मैं आपको छोड़ देती हूँ ताकि आपकी सीट को कलंक न लगे। थैंक यू। मगर याद रखिए, आइंदा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अच्छा। देखो मिस्टर, बोलो सिस्टर। आई वॉर्न यू, आप कभी होटल को किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल किया तो मैं इस होटल का लाइसेंस जब्त करवा दूंगी। बी केयरफुल। ये तो अजीब मुसीबत है, समाज सेवक को रूम ना दो तो वो लाइसेंस जब्त कर लेता है, रूम दो तो आप लाइसेंस जब्त कर लेती हैं। मैं काम करता हूँ, बगैर लाइसेंस के होटल चला लेता हूँ। शट अप।